हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम लेटेस्ट दो अपडेट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एक आ गया है CSIR की तरफ से। इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों एलिजिबल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और परमानेंट वैकेंसीज है जो आउट की गई है, किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या रहने वाली है एलिजिबिलिटी, ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखना। सेम इसी तरह से हम सेकेंड अपडेट भी इसी वीडियो में कवर करेंगे, जो कि पोस्ट ऑफिस का आया हुआ है। इसमें भी हर कोई कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। सो किस तरह अप्लाई करना है, सारा स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। अगर आप चाहते हैं इसी तरह से हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुँच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुंच जाए। बाकी इस रिक्रूटमेंट के अलावा काफ़ी सारे नए डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन सिटी या डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.glory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगा और वेबसाइट आप देख भी पा रहे हैं। आप चाहो आप इसको डायरेक्टली गूगल पे टाइप कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली बात करेंगे रिक्रूटमेंट की, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे CSIR का अपडेट, किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या रहने वाली है एलिजिबिलिटी। वैकेंसीज इस बार बहुत टाइप की आउट हुई है, जिसमें आप में से बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के अपडेट की। सबसे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। बात करें हम फर्स्ट अपडेट की, जो कि CSIR की तरफ से आ चुका है। इंडिया में किसी भी लोकेशन से आप बिलोंग करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, फिर चाहे आप मेल कैंडिडेट है चाहे फीमेल कैंडिडेट है। यहाँ पर वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ, 5 से 6 टाइप की आउट हुई है। हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है, चाहे मैं एज लिमिट की बात करूँ, क्वालिफिकेशन की बात करूँ, इवन सैलरी पैकेज भी बिल्कुल ही डिफरेंट है। उससे पहले अगर बात करें एज लिमिट की, आपकी एज मिनिमम 18 आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 50 एज लिमिट बताई गई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट वाइज है एज लिमिट भी। इसमें अगर हम सबसे पहले पोस्ट की बात करें तो वो असिस्टेंट की है, जिसमें आपकी 20,000 पर मंथ सैलरी रहने वाली है। नेक्स्ट जो पोस्ट इसमें आउट हुई है SRF की है, मीन्स सीनियर रिसर्च फेलो की, जिसमें आपकी 35,000 पर मंथ सैलरी रहने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट आउट हुई है, इसमें एसोसिएट की है। एसोसिएट की दो टाइप की पोस्ट है, एक के लिए 31,000 आपकी सैलरी रहने वाली है, और एक पोस्ट ऐसी है जिसमें आपकी 35,000 पर मंथ सैलरी रहने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट अगर पोस्ट की बात करें, सीनियर प्रोजेक्ट फेलो की है, जिसमें आपकी 28,000 पर मंथ सैलरी रहने वाली है। और इसके बाद जो पोस्ट है जूनियर रिसर्च फेलो की है, जिसमें आपकी 31,000 पर मंथ सैलरी रहने वाली है। थोड़ा शॉर्ट में आपको ये भी बता देती हूँ अप्लाई किस तरह से करना है इन वैकेंसीज के लिए। तो CSIR का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके लास्ट में आपको मिलेंगे रिक्वायर्ड लिंक, जिसमें आप पहला लिंक देख पाएंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF का, एंड सेकंड आप देख पाएंगे अप्लाई ऑनलाइन का। अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक दो ऑप्शन मिल जाती है, या तो आपको अपना अकाउंट क्रिएट करने की, या फॉरगॉट योर पासवर्ड की। मीन्स अगर आपने पहले कभी भी अप्लाई किया है, तो आप यहाँ पर सिंपली लॉग इन करके अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं, सिंपली आपको यहाँ पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, अपनी प्रोफाइल बनानी है, फिर आपको लॉग इन करके अपनी सारी डिटेल्स फिल करके अप्लाई कर लेना। फी कोई नहीं है, ना ही इसमें आपका कोई एग्जाम होने वाला है। डायरेक्ट आपकी सिलेक्शन होने वाली है, जो कि इंटरव्यू बेस्ड होने वाली है। अब इंटरव्यू आपकी इसमें ऑनलाइन होने वाली है या वॉक इन होगी, वो इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया है। वैसे कोरोना पैंडमिक के कारण मोस्टली जो इंटरव्यूज है वो ऑनलाइन ही हो रही है, बाकी आपको इन्फॉर्म किया ही जाएगा। इस तरीके से आपको बस अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है, जो भी आपसे मांग रहा है, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन, कब आपने पास आउट किया है, फिल करके सिंपली आपको सबमिट कर देना है। अब हम इसमें बात करते हैं पोस्ट वाइज क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो जैसे अगर मैं असिस्टेंट पोस्ट की बात करूँ, इसके लिए मैक्सिमम जो एज है 50 तक अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम जितनी मर्जी है। इसके अलावा एसोसिएट के लिए 35 मैक्सिमम है, सीनियर रिसर्च फेलो के लिए मैक्सिमम 40 है। इसके अलावा जूनियर रिसर्च फेलो की बात करें, तो इसके लिए मैक्सिमम 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट वाइज इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो इसमें जो पहली पोस्ट है जूनियर रिसर्च फेलो की,
इस अपडेट के लिए अगर आपने एमएससी की हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स में, नैनो साइंस में, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिज़िक्स में, अप्लाइड फिज़िक्स में, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में, या आपने बीई बीटेक की हुई है या एमई एमटेक आपने की हुई है इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आपने की है तो भी आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन केस आपके पास ये एलिजिबिलिटी नहीं है, अभी हम फर्स्ट पोस्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर आपने एमएससी की हुई है फिज़िक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, सेम इसी तरह से अगर आपने बीई बीटेक की हुई है, तो आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड जो पोस्ट है उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। सेकंड जो पोस्ट इसमें आउट हुई है प्रोजेक्ट एसोसिएट की है, जिसमें अगर आपने बीई बीटेक की हुई है एग्रीकल्चर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, कंट्रोल सिस्टम में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपने की है, तो आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट एसोसिएट बी की वैकेंसीज भी इसमें आउट हुई है, जिसमें अगर आपने बीई बीटेक की हुई है फूड टेक्नोलॉजी के साथ, तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो वैकेंसीज कुछ ऐसी भी है जिसमें इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली चेक कर लेना। इसके बाद प्रोजेक्ट असिस्टेंट के मैंने आपको बताया था दो टाइप की वैकेंसीज है, एक के लिए तो उन्होंने बीई बीटेक मांगी हुई है रेलिवेंट डिसिप्लिन में आपने किया, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 3 ईयर्स का अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो भी आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट इसमें आउट हुई है सीनियर प्रोजेक्ट फेलो की है, आपने एमई एमटेक की हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इसके अलावा माइक्रोवेव में की हुई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज के लिए। तो अगर आप सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया है उसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपको अप्लाई कर लेना है। कोई प्रॉब्लम आपको आएगी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड अपडेट के बारे में, जो कि पोस्ट ऑफिस की तरफ से रिलीज किया गया है। पोस्ट ऑफिस का भी जो अपडेट आया है, इसमें आपको कोई फी पे नहीं करनी है, ना ही इसमें आपका कोई एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए भी आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाली है, किस बेसिस पे, आगे हम डिस्कस करेंगे, आपको ये भी बताऊंगी अप्लाई किस तरह से करना है। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, अगर आप एसएससी, रेलवे या बैंक के किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, तो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग पॉइंट यानी अकेडमी, जहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिल जाते हैं आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग अलग लैंग्वेजेस में, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा कोड जरूर यूज़ कर लेना, तानिया TANYA। इसके अलावा अगर आप इनका प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तानिया TANYA। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं, चेक करके आप एनरोल ज़रूर से कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट की। सेकंड जो अपडेट है वो पोस्ट ऑफिस का आया हुआ है, इसमें इन्होंने नोटिफिकेशन के साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म अटैच किया हुआ है। जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो आपको सिंपली फिल करके इनके गिवन एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है, विद इन 30 डेज आपको सेंड करना है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है सारे अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से ये वैकेंसीज है जो इसमें आउट की गई है। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया, ना तो कोई आपका एग्ज़ाम होगा, ना ही कोई फ़ी आपको पे करनी है। इसके लिए अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है 10th पास है। अगर 12th ग्रेजुएट या कोई अदर्स भी अप्लाई करना चाहते हैं, वो इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट की, इसमें जो मैक्सिमम एज रिक्वायर्ड है 56 है, मीन्स 56 से कम वाले अप्लाई कर सकते हैं, कम आपकी जितनी मर्जी हो, 56 से ज़्यादा वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इसके लिए बात आती है सैलरी की, तो इसमें आपको जो सैलरी रहने वाली है 19,900 से 63,200 पर मंथ आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अप्लाई करना है। प्लस अदर अलाउंस जो है वो आपको पे किया जा सकता है एज़ पर नॉर्म्स। उसके अलावा अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहने वाला है। तो इसमें आपका टेस्ट होने वाला है, जो कि आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, बिकॉज ये वैकेंसीज जो इन्होंने आउट की है स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसीज है। बहुत सारे कैंडिडेट के कब से कमेंट आ रहे थे कि ड्राइवर की वैकेंसीज नहीं आ रही है, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है और आप एलिजिबल है, अप्लाई आपको ज़रूर करना है। और आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है अगर स्टाफ कार ड्राइविंग का, कार ड्राइविंग का आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, आपको अप्लाई ज़रूर करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दोनों लिंक प्रोवाइड कर दी हैं, जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं, आपको चेक करके अप्लाई ज़रूर से करना है। इसके अलावा भी 1 से 2 नए अपडेट आए हैं, नेक्स्ट वीडियो उसी की आ रही है, आप उसके लिए तैयार रहिएगा।
फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुंच जाए। बाकी आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।